जस्टिन ट्रूडो एक ऐसा नाम जिसे पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, परंतु इसलिए नहीं कि उनके पास अद्भुत राजनीतिक कौशल या उल्लेखनीय नेतृत्व था। इन्हें एक प्रमुख उदाहरण के रूप में स्मरण किया जाएगा कि सरकार कैसे नहीं चलानी चाहिए। हाल ही में भारत के विरुद्ध जस्टिन ट्रूडो कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। इनके अनुसार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में स्पष्ट रूप से भारत का हाथ रहा है और उनके प्रशासन के पास पर्याप्त साक्ष्य है, परंतु ट्रूडो महोदय की शर्त यह है कि वे सब भारत को नहीं दिखाएंगे और ये भी चाहते हैं कि उनकी बातों को संपूर्ण संसार आंख मूंद कर माने, जिसके पीछे वैश्विक महाशक्तियां तो छोड़िए, स्वयं इनके सहयोगी अपने आप से पूछ रहे आखिर चाहता क्या है ये। परंतु बात अभी तक सीमित नहीं है। कैनेडाई मीडिया, जो आमतौर पर अपने प्रशासन का समर्थक रहा है, अब जस्टिन के आरोपों पर प्रश्न चिन्ह लगाने से भी नहीं हिचक रहा है। वे कुछ ऐसा चाहते हैं जिस पर हम सभी सहमत हो सके, विश्वसनीय प्रमाण जिसे कोई ना नकार सके। तो सभी लोगों को सादर नमस्कार और आइए जानते हैं कि ट्रूडो की नौटंकियों के पीछे क्यों अब उसकी चहेती मीडिया का भी भरोसा धीरे धीरे उस पर से उठ रहा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मुद्दा कनाडा और भारत के बीच विवाद का केंद्र बन चुका है। इस गर्मागर्म बहस के केंद्र में कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, जिन्होंने दावा किया कि निज्जर की हत्या भारत सरकार के एजेंटों का काम था। फिर भी ट्रूडो की उद्घोषणा से एक महत्वपूर्ण तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, ठोस साक्ष्य यानी क्रेडिबल एविडेंस। अब कैनेडियन मीडिया को भी संदेह है कि ट्रूडो के दावे वास्तव में सत्य भी है या नहीं। उनका मानना है कि लोकप्रियता में तेजी से गिरावट से जूझ रहे ट्रूडो ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने हेतु इस मामले को जल्दबाजी में उठाया है। उनके दावे की गंभीरता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता और पर्याप्त साक्ष्यों का अभाव उनके राजनीतिक उद्देश्यों पर भी प्रश्न चिन्ह डालता है। विश्वास नहीं होता तो नेशनल पोस्ट के विचारों पर ध्यान दीजिए। इनके संपादकीय में अस्पष्ट भाषा और विशिष्ट बुद्धिमता की अनुपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए ट्रूडो प्रशासन को चेतावनी दी गई है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रूडो का आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है। वह अब तक कैनेडियाई लोगों को कोई भी सबूत देने में विफल रहे हैं, परंतु यह केवल प्रारंभ था। टोरंटो सन के एक लेख में चेतावनी दी गई है कि भारत इस तरह के गंभीर आरोपों के बावजूद चुप बैठने को तैयार नहीं है। यह भविष्यवाणी की गई है कि मोदी प्रशासन कठोर प्रतिक्रिया देगा और ऐसे में कैनेडियन लोगों को संभावित परिणामों के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। इसलिए पूरी तरह से ट्रूडो सरकार पर यह जिम्मेदारी आती है कि वह अपने पास मौजूद किसी भी ऐसे सबूत का खुलासा करे जो उनके दावों को सत्य सिद्ध करे, अन्यथा आगे चलकर कैनेडा की छवि को बहुत नुकसान होगा। इतना ही नहीं, टोरंटो सन यह भी बताता है कि निज्जर कोई संत नहीं था। पंजाब के जलंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश में संलिप्त पाए जाने के बाद भारत सरकार ने उन्हें आतंकवादी करार दिया था और पकड़ने के लिए उचित इनाम की पेशकश भी की। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर ने पंजाब में हिंसा की साजिश रची और वैंकुवर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे शहर में आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया। अब ट्रूडो कब तक इन बातों से इनकार करते रहेंगे? जब आपकी अपनी मीडिया भी आपके कार्यों पर संदेह करना प्रारंभ करे तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वर्तमान में स्वयं को ऐसी ही दुविधा में पाते हैं। जोश जोश में उन्होंने भारत पे उंगली तो उठा दी, परंतु इन आरोपों को सिद्ध करने में इनकी झिझक स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे न केवल राजनीतिक विरोधियों अपितु वैश्विक स्तर पर वे उपहास का पात्र बने हुए हैं और अब उनके अपने समर्थक भी उनके दावों से बहुत अधिक विश्वस्त नहीं है। यह संदेह की गूंज राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के कक्षों तक ही सीमित नहीं है। जो लोग ट्रूडो के साथ राजनीतिक मंच साझा करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के डेविड एबी, वह भी ट्रूडो के प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह जताते हैं। जब आपके सहयोगी आपके कथन पर सवाल उठाने लगे तो एक चेतावनी है जिसको नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ट्रूडो के प्रशासन पर अब भारत सरकार द्वारा आतंकवादी समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ खुद को जोड़ने का आरोप है। इस रुख ने चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि ये कनाडा की धरती पर बढ़ते अलगाववादी समर्थक विशेषकर खालिस्तानियों को अनदेखा करने की भूल करता है। ये आंदोलन न केवल हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अपितु कनाडा में स्थित भारतीय राजनयिक एवं स्वयं कैनेडियन नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, परंतु ये तो कुछ भी नहीं है। ट्रूडो ने हत्या के मद्देनजर भारत की निंदा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अपने एक सहयोगियों से विशिष्ट सपोर्ट का आग्रह किया, परंतु कोई भी इनके दावों को फेस वैल्यू पर लेने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने भारत के साथ कूटनीतिक दलदल से दूर रहने का विकल्प चुना।
संक्षेप में वैश्विक महाशक्तियों ने स्पष्ट कर दिया कि तुमने गंदगी फैलाई है तो तुम ही समेटो। इसी के परिणाम स्वरूप भारत ने अगली सूचना तक कैनेडियन नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने 20 सितंबर को कनाडा में अपने निवासियों को एक चेतावनी जारी की, जिसमें उनसे देश में भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से स्वीकृत हेट क्राइम्स में वृद्धि के कारण सावधानी बरतने का आग्रह किया गया। यहां तक कि कैनेडियाई मीडिया ने भी ट्रूडो की कथाओं पर संदेह व्यक्त किया है और यह स्पष्ट है कि स्थिति आगे और विकट होने वाली है, जो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए अनुकूल तो नहीं होगी।